नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं धारी देवी मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से धारी देवी मंदिर के इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। धारी देवी को काली माता का रूप भी कहा जाता है। इस मंदिर में काली माता की मूर्ति विराजमान है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में माता काली जी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। सुबह उनका रूप बाल अवस्था में दिखाई देता है, तो दोपहर में वह कन्या रूप में दिखाई देती हैं और रात के समय वह बूढ़ी माँ के रूप में दिखाई देती हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी काली जी की मूर्ति में गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन धारी देवी हमेशा शांत अवस्था में दिखाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि जब धारी देवी को गुस्सा आ जाता है, तब वह अपने गुस्से से तहस नहस का माहौल बना देती हैं। जैसे कि 16 जून 2013 को एक प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड की सरकार ने धारी देवी की मूर्ति को हटाया था, तब वहां पर बहुत ही खतरनाक प्रलय आया। ऐसा कहा जाता है कि यह सब माता के प्रकोप के कारण हुआ था। दोस्तों, इस मंदिर के इतिहास के बारे में यह कहा जाता है कि एक बार बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में कालीमठ मंदिर बह गया था, लेकिन मूर्ति धारो गांव में बहकर आ गई थी और उसी जगह पर माता धारी देवी की स्थापना करा दी गई। तभी से वह मूर्ति वहीं पर स्थित है। वहां के कुछ पंडितों का यह कहना है कि यह मूर्तियां द्वापर युग से यहां पर हैं। माता धारी देवी की उपासना करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि धारी देवी उत्तराखंड की रक्षा करती है। वहां के लोग माता धारी देवी की पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि यदि माता धारी देवी को गुस्सा आ गया तो उनके प्रकोप से हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, भारत के सभी काली जी के मंदिर की मूर्ति गुस्से जैसी दिखाई देती है। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि माता काली को बहुत क्रोध आ रखा है, लेकिन धारी देवी की मूर्ति बहुत ही शांत दिखती है। इस मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और धारी देवी से प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा शांत रहे और उत्तराखंड की रक्षा करती रहे। दोस्तों, जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तब आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो गया था, लेकिन धारी देवी की मूर्ति जहां स्थापित थी वहीं पर रही और धारी देवी की मूर्ति को किसी तरह की क्षति नहीं हुई थी। पूरे मंदिर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। यह बहुत बड़ा चमत्कार था। दोस्तों, इसीलिए सभी लोगों की आस्था धारी देवी से जुड़ी हुई है। लाखों भक्त माता देवी के दर्शन के लिए उत्तराखंड आते हैं। वहां के पुजारियों का यह मानना है कि माता धारी देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। यह चमत्कार बहुत प्राचीन समय से होता आया है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक धारी देवी की मूर्ति शांत अवस्था में रहती है, तब तक उत्तराखंड में किसी तरह की कोई भी आपदा नहीं आती है। लेकिन जैसे ही धारी देवी मूर्ति क्रोधित अवस्था में आ जाती है, तब उत्तराखंड पर कोई ना कोई मुसीबत अवश्य आती है। दोस्तों, ये थी धारी देवी मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और अहम जानकारी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जाके लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक माँ धारी देवी की कृपा आप सब पर बनी रहे और टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।